जब आया हूं तो पिछले साल से ये फर्क है कि यहां एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कैंपेन भी चल रहा है। इस बीच में देश में दो वैक्सीन्स भी जो है भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं। और आज जब हम अभी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को देखकर आए हैं तो मुझे खुशी है कि भारत ने 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज जो है वो अपने 45 साल से लोगों के बड़े लोगों को और उसके साथ साथ अपने हेल्थ वर्कर्स को अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध करा दी है। अभी दो दिन के बाद देश में एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा जिस फेज के तहत से ऊपर के नौजवान भाई बहन दोस्त उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा सबसे ज्यादा सफल सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे और अब जैसे जैसे उनको जो जो अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। और ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने आप में पूरी तरह से सीमलेस तरीके से हुई है। हमारा संघर्ष जारी है। एक साल में जो भी अनुभव हम सब ने मिलकर प्राप्त किया है उस संपूर्ण अनुभव का पूरी गहराई और गंभीरता से इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार से एक वर्ष आपने सबने मिलकर काम किया है ऐसे ही अभी जो इस समय एक जो अचानक पिछले 1.5-2 महीने में जो केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है उसके कारण जो आप सबके वर्किंग के ऊपर जो प्रेशर आया है दबाव आया है स्ट्रेस आया है इसको भी हम उतनी ही आत्मविश्वास के साथ उसको हैंडल करेंगे और उसके साथ हम उसी प्रकार से लोगों की चिंता करेंगे। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है क्योंकि जब लड़ाई शुरू की थी तब तो वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब तो वायरस के बारे में बहुत कुछ पता लगा है और वायरस किस प्रकार का बहुरूपिया है कैसे अपने भेष बदलता है कैसे भेष बदल बदल कर हमारे सामने आता है वो सारी चीजों का भी हमारे मेडिकल कम्युनिटी को साइंटिफिक कम्युनिटी को ध्यान होता जा रहा है। और जिस प्रकार से तेजी से लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं उसी प्रकार से उतनी तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज सवेरे मैं देख रहा था कि 2,70,000 के करीब लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर अपने अपने घर पर चले गए। और आज इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर भी शायद दुनिया में सबसे कम 1.11 हमारा फैटेलिटी रेट है। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूं कि मृत्यु एक भी होती है ये रेट का विषय नहीं है वो कष्टदायक होती है दुर्भाग्यपूर्ण होती है उस परिवार के लिए एक बड़ी आपदा होती है। इसलिए सबको मिलकर हमें कोविड के मरीजों को पूरी गहराई और गंभीरता से उनके इलाज के ऊपर उनके डायग्नोसिस के ऊपर उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सही सलाह देते हुए क्योंकि बहुत सारे लोग सलाह के अभाव की तरफ दौड़ रहे हैं उनको शायद इस प्रकार की ठीक प्रकार से कॉन्फिडेंस और जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो घर में रहकर भी अपना पिछले साल की तरह इलाज करा सकते हैं।